बिल्कुल साहब, वी गॉट सम पैसेंजर्स फॉर यू। इसमें बैठो तुम कभी। अगर बच्चे हैं उनको सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले लिखना है। हिंदुस्तान में अगर कोई युवा आगे बढ़ना चाहता है तो यही पांच रास्ते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्मी। तो आप में से किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ, मैं तो हवाई जहाज देखता हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ना चाहता हूँ। क्योंकि आपको लगा वो दरवाजा आपके लिए बंद। अगर आपको हमने, आप सबको हमने जहाज की कॉकपिट में बिठा दिया सामने, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप में से आधे लोग तो कहेंगे भाई मैं पायलट बन। जिसने एक बार हवा में उड़ान भरी वो बार बार वो करने की कोशिश करेगा। देखो ये स्टार्ट के बटन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना इंजन वन इंजन टू। हेलो कैप्टन साहब, वी गॉट सम पैसेंजर्स फॉर यू। इसमें बैठे हो तुम कभी? यस सर, अभी बिठाया हमको। वो रडर, इसको रडर कहते हैं, इसको एलरॉन कहते हैं। यस सर, एंड ये पावर होता है जो उसको एक्सेलरेटर में एक्सेलरेटर का जो काम करता है। आओ चलो। उस मीटिंग में मेरा क्या कहना था कि अगर बच्चे हैं उनको सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले दिखना चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। अब अगर बिना एक्सपीरियंस के निर्णय ले रहे हैं शॉर्ट, वो निर्णय सही हो ही नहीं सकता। मैं आपके दिमाग में यह डालना चाहता हूं कि आप जो भी सोचो आप कर सकते हो। ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं बस ये पांच चीजें कर सकता हूं। अगर आपने मन बना लिया आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपने पहले हेलीकॉप्टर को देखा होगा मगर आपको नहीं मालूम ये उड़ता कैसे है, मतलब गहराई में जाना चाहिए। मेरे पापा पायलट थे। तो आप फ्लाइंग स्कूल में जाइए, फिर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है, उसके बाद कमर्शियल मिलता है, उसके बाद एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट मिलता है। अब पायलट का पता है क्या होता है? जो नॉर्मल आदमी होता है जब वो दुनिया को देखता है वो दो डायमेंशन में देखता है, जो पायलट होता है वो तीन डायमेंशन में देखता है। ये दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भी देखता है। On the left is the famous Kota Bridge. क्या क्या? हाँ। Imagine नहीं किया था ना? हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि सब हिंदुस्तान के बच्चे सब कुछ imagine करें। क्योंकि सोचो। जो गरीब भी हो उसको imagine करना चाहिए, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। न्यूटन का आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे अगला फोर्स लगाता है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके ऊपर एक रोटर है, वो घूमता है, तो अगर वो इस साइड घूम रहा है राइट, तो हेलीकॉप्टर को इस साइड घूमना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसका जवाब बताओ ना। तो ये क्या कर रहा है? ये हवा को उस साइड धकेल रहा है ना, तो हेलीकॉप्टर के पूंछ को ये इस साइड घुमा रहा है। सर वो जो साइड वाला है, हाँ? ये ऊपर उठे हुए क्यों है? बिल्कुल ऐसे प्लेन भी तो हो सकता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब हवा लगती है ना, यहाँ से निकल के यहाँ आती है तो यहाँ ये टर्बुलेंस क्रिएट करती है, उसको काटने के लिए। हाँ,
हाँ सर, हाई वेलोसिटी क्रिएट लो प्रेशर बार्नौली थ्योरम। हाँ, हाँ, हाइट जो मैंने आपको दिखाई, हाँ सर, और स्पीड जो दिखाई वो यहाँ से आती है। इंडिया में वुमेन पायलट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। Curiosity, always asking questions. When you ask questions, you'll always learn. सवाल पूछने चाहिए। अब कौन पायलट बनना चाहता है? अब सब पायलट बनना चाहते हैं। Thank you so much, sir. मेरी भी मेंटेलिटी ऐसी थी कि 10th हुई, 12th हुई, देन IIT करेंगे। पर अब जब सर ने बोला है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ पांच चीज की नहीं देखनी चाहिए, जिस चीज में तुम्हारी हॉबी वो करना चाहिए। ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें इमेजिन करना है और हमारी इमेजिन पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। मन तो नहीं कर रहा था कि उस हेलीकॉप्टर से वापस आऊं, पर ऐसा लग रहा था कि मैं पंछी बन के उड़ रही हूँ।